तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर का सेकंड वेरिएंट जो VXI है उसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रंट में मिलेगा आपको मारुति सुजुकी का लोगो और आप इसके क्रोम को देख सकते हो जो कि काफ़ी ब्राइट है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लुक दे रही है ये कार। और बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। आप साइड प्रोफाइल में देख सकते हो इसमें एसेसरीज लगी हुई है, ये देख सकते हो पट्टी के रूप में, और इसमें लगा हुआ क्रोम और रबड़ के साथ आपको काफ़ी अच्छी और आकर्षित रूप से दिख रही है ये कार। बात करें तो इसके डायमेंशन की और इसकी लेंथ हो गई आपकी 3995 mm। और बाकी बात करें इसके अलॉय व्हील्स की जो कि स्टील की दे रखी है। और इसके टायर की साइज़ के बारे में बात करें तो 165/18R14 इसका साइज़ है टायर साइज़। और इसका व्हील बेस 2450 mm है और इसकी हाइट आपको 50/50 mm दे रखी है। और देख सकते हो साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और डोर हैंडल भी दे रखे इसमें। कमी बस एक चीज़ की, इसमें फॉग लैंप नहीं दिए गए हैं और ये इसकी रूफ हो गई ऊपर की जिसमें रबड़ की ब्रांडिंग हो रही है। और बाकी आप देख सकते हो कार में कोई भी कमी नहीं रह रही है। फ्रंट से कुछ इस प्रकार है। और लाइट की बात करें तो इसमें इंडिकेटर लाइट और हेडलैम्प लाइट दोनों प्रकार की लाइट आपको। अंदर से बात करें इसके इंटीरियर की, ये आपको अंदर से कुछ इस प्रकार दिखेगी। इसकी विंडो पावर विंडो के साथ आपको मिलती है और फ्रंट में लॉक वॉक सिस्टम सब कुछ इसमें मिलता है। ये इसकी स्टेयरिंग हो गई और व्हील बेस इसमें काफ़ी स्पेस दे रखा है। और देख सकते हो इंटीरियर इसका, और ये इसका डैशबोर्ड और मैनुअल पावर स्टेयरिंग के साथ आपको ये मिलती है देख सकते हो। और सीट को आप अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो और पीछे आराम से आदमी सो सकता है या कुछ भी कर सकता है। और इसके साइड में आपको दे रखे हैं। तो कार में भाई साहब कोई भी कमी नहीं है। और बाकी इसके फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें आपको ऑटोमेटिक एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है और मैनुअल सारी चीज़ें इसमें मैनुअल आपको मिलती है। गियर भी आपको हाई गियरों के साथ आपको मिलती है। और ये इसका हो गया हैंड ब्रेक जो कि ज़्यादा हैवी नहीं है, आराम से आप लगा सकते हो। और ये आपको मिलेगा इसका डैशबोर्ड जो कि इलेक्ट्रिकल है और मैनुअल है, दोनों प्रकार का है। और देख सकते हो कार में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है साइड विंडो में आप देख सकते हो। और ये इसका बैक लुक हो गया कुछ इस प्रकार दिखेगा। और बाकी ये इसका मिरर हो गया अंदर का और ऊपर आपको मिलेगी लाइट वगैरह। और इसकी की ये हो गई इसकी जो की आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। और ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, ये आपको एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम मिलता है और फोन के साथ कनेक्ट मिलता है। ये इसकी एसी हो गई जो मैनुअल है और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये इसका गियर हो गया जिसमें 5 गियरों के साथ आपको मिलती है कार। और बात करें तो इसमें बॉक्स की, ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, इसमें आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को रख सकते हो। और ये इसकी एसी हो गई। स्टेयरिंग आप देख सकते हो, स्टेयरिंग का लुक भी काफ़ी अच्छा दे रखा है इसमें। और स्टेयरिंग की बात करें तो ये पावर स्टेयरिंग के साथ आपको एक कार मिलती है और इसमें दे रखा आपको सुजुकी का लोगो। और बैक में इसमें आपको प्रोवाइड मिलता है एसी और एक चार्जर 12 वोल्ट का, इसमें आप अपना फ़ोन चार्ज लगा सकते हो। और देख सकते हो कार में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और 4-5 आदमी आराम से इसमें बैठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और बात ये इसके लीवर हो गए जिसके बैक लीवर से इसकी डिग्गी ओपन होती है और साइड में इसमें पेट्रोल का दे रखा है, इससे पेट्रोल की वो खुल जाती है। और बात करें इसके बूथ की, बैक बूथ की, तो बैक बूथ में आप इसमें 378 लीटर तक बैक बूथ स्पेस है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। और इसमें बैक बूथ में आपको लाइट भी दे रखी है और ये बैक लाइट है इसकी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्पेस है। बात इसकी कवरिंग की रह गई जो कि और भी ब्लैक होना चाहिए था, इसमें कम दे रखा है। और काफ़ी अच्छी कार के साथ आपको ये मिलता है देख सकते हो आप, ऑटोमेटिकली है इसलिए आप। चलिए बूथ को बंद कर देते हैं और आपको बाहर से इसकी प्रोफाइल दिखाते हैं। ये इसकी बैक प्रोफाइल होगी जिसमें आपको डिजायर का लोगो मिलेगा साथ में ब्रांडिंग। और ये बैक आप देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्टर लाइट और बैक लाइट और इंडिकेटर लाइट तीनों प्रकार की लाइट आपको मिलती है इसमें। और यह पेट्रोल का हो गया, यहाँ से आप पेट्रोल डाल सकते हो। और यह कार आपको CNG के साथ भी मिलती है। और यह साइड लुक देख सकते हो आप साइड से, और यहाँ से भी कार काफ़ी अच्छी चमकदार दिख रही है आपको।
और बात करें इस कार के ब्रेक की, जो आपको डिस्क ड्रम ब्रेक दोनों प्रोवाइड है इस कार के अंदर। और फ्रंट लाइट के बारे में बात करें तो इसमें आपको वेरिएंट में हेलोजन रिफ्लेक्टर क्लोर लाइट मिलेगी आपको, और ये फ्रंट इंडिकेटर होगा इसके। और बाकी इसके साइड प्रोफाइल में भी कोई कमी नहीं दे रखी है, और ये आपको डायमंड कलर के साथ आपको ये कार मिलती है। बैक में इसके रिफ्लेक्टर दे रखे हैं, और ये इसका रूफ एंटीना हो चुका। चलिए दोस्तों, इसकी ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग हम आपको दिखा सकते हैं, जो कि इसका पिकअप भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आप बताइए, आपको ये कार कैसी लगी? तो दोस्तों आप इस कार को ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। ये